హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ద డెస్క్ దేవా ఇంగ్లీష్ స్పోకెన్ క్లాస్. ఫ్రెండ్స్, హౌ ఆర్ యూ? వెల్ ఫ్రెండ్స్, టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ అబౌట్ ద ఎయిమ్. ఎయిమ్ మీన్స్ పర్పస్, మీన్స్ ఎసే సెంటెన్స్ జో కిసి కే ఎయిమ్ యా పర్పస్ కో దర్శాతా హై. ఠీక్ హై ఫ్రెండ్స్, తో లెట్స్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ ఆఫ్ ద డే. फ्रेंड्स, जैसे कि वह कठिन मेहनत करता है ताकि वह पास हो सके, तो इसमें जो बोल रहा है, मतलब किसी के बारे में बोल रहा है, तो इसमें यह दर्शाया जा रहा है कि वो किसी पर्पस से मेहनत कर रहा है, मतलब उसका एम है कि वो पास हो जाए, इसलिए वो मेहनत कर रहा है. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह की सेंटेंसेज आएंगी. जल्दी प्रस्थान करो ताकि तुम ट्रेन पकड़ सको. ठीक है फ्रेंड्स, सुबह जल्दी उठो ताकि तुम स्कूल समय पर या ऑफिस समय पर पहुंच सको. इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें एम या पर्पस बताया जाता है, उसको हम एम वाला सेंटेंस बोलते हैं और उसको ऐसे बनाते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो कम वह कठिन परिश्रम करता है ताकि पास कर सके, तो इस तरह के सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं. क्या क्या तरीका है वो अभी हम देखते हैं. वह कठिन परिश्रम करता है, तो ये सिंपल है, ही वर्क्स हार्ड so that, यहाँ पर so that लगाएंगे, so that he may pass. ठीक है, he works hard so that he may pass. इसका दूसरा तरीका है कि he works hard lest he should pass. ठीक है, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास. ये पहला तरीका, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड पास. ये दूसरा तरीका. मीन्स दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके आप समझ लीजिए, दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी इजी लगे. ये भी यूज करते हैं लोग, ये भी यूज करते हैं, दोनों ही यूज करते हैं. बट दोनों आपको याद रहना चाहिए कि इस तरह से भी हम बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं, ताकि हम किसी से भी बात करते वक्त हम तो ये इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सामने वाला अगर ये इस्तेमाल करे तो भी हम समझ सके. ठीक है फ्रेंड्स, बोलना तो एक ही फॉर्मूले से है, लेकिन सामने वाला किस फॉर्मूले से बोलेगा ये हमें पता नहीं होता है. इसलिए हमें दोनों फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जिस तरीके से भी हम, जितने भी तरीके से हम बोल सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो सब पता होना चाहिए. ठीक है फ्रेंड्स, तुरंत प्रस्थान करो ताकि ट्रेन पकड़ सको. तो स्टार्ट एट वंस सो दैट यू मे कैच ट्रेन. स्टार्ट एट वंस सो दैट यू मे कैच ट्रेन. ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा फॉर्मूला, स्टार्ट एट वंस लेस्ट you should catch train. ये दो तरीके हैं. अभी तीसरा सेंटेंस है, इसे लिख लो ताकि इसे तुम भूल ना जाओ. तो राइट इट डाउन सो दैट यू मे not forget it. अब दूसरा, write it down lest you should forget it. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये write it down so that you may not forget it. राइट इट डाउन लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट. यहाँ पर नोट नहीं लगेगा यू शुड फॉरगेट इट में, क्योंकि लेस्ट इसमें लेस्ट आ जा रहा है, सो इसमें नोट नहीं लगता. ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हम इस तरह के सेंटेंसेस को हम इस तरीके से बनाते हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा. थोड़ा हम एम से संबंधित और सेंटेंसेज लेते हैं.
ये देखिए, वह यूं ही भटकता फिरता है। तो वह यूं ही भटकता फिरता मतलब बिना मतलब के, बोलते ना बिना मतलब के यार भटकता फिरता रहा है, क्या बिना मतलब के घूमते रहते उधर उधर, ऐसा बोलते हैं ना। तो वह यूं ही भटकता फिरता है, तो ही वॉन्डर्स अबाउट विदाउट एनी एम। ही वॉन्डर्स अबाउट विदाउट एनी एम, या सिंपली अगर आप इसको आप कहना चाहेंगे तो हम ऐसा नहीं बना सकते हैं कि ही वॉन्डर्स अबाउट एमलेसली। ही वॉन्डर्स अबाउट एमलेसली, या तो आप ऐसे बोलिए कि ही वॉन्डर्स अबाउट विदाउट एनी एम, या ही वॉन्डर्स अबाउट एमलेसली, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। नीचे वाला छोटा सा छोटा लग रहा है तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वह यू ही रो रहा है, तो ही इज क्राइंग एट अ रैंडम। ही इज क्राइंग एट अ रैंडम मतलब बिना मतलब के फालतू का रो रहा है, ऐसा। इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं कि ही इज क्राइंग अबाउट एमलेसली, मीन्स कोई उद्देश्य नहीं रोने का, ऐसे फोकट में रो रहा है ऐसा। उसने सफलता के लिए कड़ी मेहनत की है, तो ही वर्क्स हार्ड विथ अ व्यू टू सक्सेस। ही वर्क्स हार्ड विद अ व्यू टू सक्सेस, ठीक है फ्रेंड्स। उसने सफलता के लिए कड़ी मेहनत की है, तो ही वर्क्स हार्ड विद अ व्यू टू सक्सेस, वेरी सिंपल है। इसको हम आम लाइफ में हम ऐसा नहीं बोलते हैं तो ऐसा भी बोलते हैं कि वर्क्स हार्ड फॉर सक्सेस, हम ऐसा भी बोल देते हैं कि वर्क्स हार्ड फॉर सक्सेस, चलता है। बट दिस इज द राइट, ही वर्क्स हार्ड विद अ व्यू टू सक्सेस। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का क्लास, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा वीडियो ओपन करते हो तो आप पूरा देखा करो, पूरा नहीं देखते हो, जो भी देखते हैं हमारे वीडियो को, मैंने देखा है, चेक किया है अपने लैपटॉप में, को पूरा नहीं देखते, 1 मिनट 1.5 मिनट देखते हैं और निकल जाते हैं बाहर। फ्रेंड्स, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप खोलते ही क्यों। अगर आपको इंग्लिश सीखना ही है तो आप पूरा वीडियो देखो ना, नहीं सीखना है तो ओपन ही मत करो, सिंपल। देखेगा तो देखेगा, कोई नहीं देखेगा तो नहीं देखेगा। बट मेरा मेरा उद्देश्य यह है कि मैं YouTube पे वीडियो क्यों डालता हूँ, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, घर बैठे लोग इंग्लिश सीख सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।